आपका घर घर बच्चों के लिए होता है, गुनाह आपने किया, उन बच्चों की क्या गलती थी जो उसमें मासूम पल रहे थे, उनका घर गिरा दिया। ये तानाशाही कहते हैं। मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है, योगी जी कौन है, केजरीवाल जी कौन है, पूरे भारत में आप एक केजरीवाल हाँ एक सीएम बताए ना मुझे मुस्लिम, जहाँ हिंदू खतरे में हो। देश आपका, देश आप अपना मान रहे हैं, देश के गृह मंत्री आप हैं, हमारा आप कुछ भी नहीं मानते, उसके बाद आप खतरे में हैं। अगर सीएनआरसी का मामला आएगा तो वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, और हम बाहर के आदमी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे शाहीन बाग के लोग, जहाँ पर अभी बुलडोजर आया था, और यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ सर, बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? बुलडोजर की कार्रवाई को, यहाँ बुलडोजर के लायक कोई कार्रवाई नहीं थी। इनक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई को हम बहुत अच्छा समझते हैं, समर्थन करते हैं। पूरी दिल्ली का इनक्रोचमेंट हटना चाहिए ताकि आप भी रोड पर आराम से चलें और हम भी सुरक्षित चलें। तो जब यहाँ बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने उसे घेरा क्यों? नहीं, क्यों नहीं घेरा, वो बुलडोजर के साथ कुछ लोग उनके अपने आए थे जिन्होंने नारेबाजी की। लोकल आदमी कम था और मीडिया ज़्यादा थी, इसका कारण आप बताएंगे क्यों थी मीडिया ज़्यादा? लोकल आदमी का समर्थन था इसलिए लोग कम थे, लोकल आदमी का समर्थन था सफाई में इसलिए लोग कम थे, मीडिया ज़्यादा थी। आपने कुछ देखा? आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे, कोई इंक्रोचमेंट मिला आपको? शोरूम ही बंद है आज तो। शोरूम के अंदर अगर काम होगा तो उसमें क्या आपत्ति है बताइए? भाई शोरूम सामान तो नहीं, 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 जो जो इनका सामान जो इनका सामान था वो हमने पहले ही, हमने RWA ने, विधायक ने, हमने पहले ही मिलके वो सफाई कर दी थी। तो इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी, MCD को नहीं थी, फिर जब आपने हटा दिया तो उसके बाद आने का कोई तुक ही नहीं बनता? सरकार की नौटंकी, इनसे पूछो ये बात, सरकार की नौटंकी। किस सरकार की? दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार में तो कुछ है ही नहीं। क्या है बताइए, MCD किसके अंदर आती है? एक सेकेंड, MCD किसके माते सरकार? तो MCD को ऑर्डर कौन करेगा? हमारा सरकार से विवाद नहीं है, ना हम किसी पार्टी के हैं, हम RWA से हैं। लेकिन जो काम गलत होगा उसे गलत कहेंगे, जो सही होगा उसे सही कहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दिल्ली साफ हो, वो केंद्र कराए या स्टेट कराए। दिल्ली साफ हो जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे? इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट पे बात चल रही ना भाई, इंक्रोचमेंट साफ हो। MP चला, UP चला, यहाँ पे जहाँ जहाँ जहांगीरपुर पूरी चला, देखो माहौल एकदम वहाँ खराब हुआ, माहौल एकदम खराब हुआ, और उसके दो दिन बाद ही वहाँ बुलडोजर पहुँच जाता है। इतनी जल्दी कार्रवाई, इतनी जल्दी सुनिए, ये तानाशाही है ना। आपको ये पता कि मैंने गलती की या नहीं की? आपने नाम लिखा और सज़ा दे दी, सज़ा का काम कोर्ट का, प्रशासन का नहीं है, MCD का नहीं है, ये तानाशाही कहते हैं इसको। आपका घर घर बच्चों के लिए होता है, गुनाह आपने किया, उन बच्चों की क्या गलती थी जो उसमें मासूम पल रहे थे, उनका घर गिरा दिया, ये तानाशाही कहते हैं इसको। सर MP में भी ऐसे हुआ था? MP में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी होगा हम उसको तानाशाही कहेंगे। हिंदू अपने भारत की बात नहीं कर रहे, हम पूरे वर्ल्ड में अगर ये बात होगी तो हम इसको तानाशाही कहेंगे, वो चाहे मुस्लिम हुकूमत हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो। क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम पे, जो आजकल देश का माहौल चल रहा है, देश का रामनवमी पे जैसे देखा जाता है, हनुमान जयंती पे जैसे माहौल बिगड़ता है? हनुमान जयंती पे किसी मुस्लिम समुदाय ने माहौल नहीं बिगाड़ा, मुस्लिम हिंदू यहाँ भी ये मार्केट में 50-50% है, जबकि ये शाहीन बाग मुस्लिम माना जाता है। ये मार्केट में ना 50% प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की, एक आदमी से नाराजगी बताएं, एक आदमी ये कहे कि हाँ, ये भी पता लगता कि नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम, इतना भाईचारा। कुछ चंद लोग, चंद भगवाधारी, जिनको जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते, उन्हें 500-500 रुपए दे के चंद नेता माहौल खराब करते हैं। हम सरकार की बात नहीं करें, सरकार ने इसमें आंख बंद कर रखी है, नहीं तो उन नेताओं की हिम्मत नहीं। आप ये देखो, किसी नेता का, किसी कोठी वाले का बच्चा दिखता आपको पत्थरबाजी में, मुस्लिम का या नॉन मुस्लिम का, बताइए आप? एक बाबा है नरसिंहानंद, जो कि बयान देते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिमों की आबादी हो जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। सरकार किसकी है आप बताएं, सरकार किसकी है? भाजपा की। मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है,
योगी जी कौन है, केजरीवाल जी कौन है, पूरे भारत में आप एक केजरीवाल हाँ, एक सीएम हाँ। बताए ना मुझे मुस्लिम, जहाँ हिंदू खतरे में हो, देश आपका, देश आप अपना मान रहे हैं, देश के गृह मंत्री आप हैं, हमारा आप कुछ भी नहीं मानते, उसके बाद आप खतरे में हैं। कैसे खतरे में? कैसे खतरे में? जिसके घर में चार लोग होंगे उसमें चार आदमी खतरे में आएंगे कि उन चार में एक आदमी खतरे में आएगा? 20% खतरे में है ही नहीं, 85% खतरे में। हम 20% हैं, हम खतरे में नहीं है, हम नहीं मानते सरकार से खतरा, खतरे में नहीं है। क्या कहना चाहोगे सर सरकार को? हम चाहते हैं ये नाटकबाजी छोड़ के सरकार भाईचारे पर ध्यान दे। हमारे देश से अच्छा देश नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इससे अच्छा भाईचारा कभी नहीं, कहीं नहीं था। गंगा जमुना तहजीब को कायम करे और एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखें। हम हिंदू से, मुसलमान से, हमें कोई वो नहीं है, हम उनके घर खाते हैं, वो हमारे घर खाते हैं। लेकिन तमाम ऐसे बयान है सर, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि बयान देखे होंगे कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, योगी जी कहते हैं कि मई जून में गर्मी निकाली जाएगी। सर कभी कभी आदमी का जब पेट ज़्यादा भर जाता तो उसके पेट में भी दर्द होने लगता, तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती। तो कभी कभी 60+ में दिमाग भी काम करना बंद कर देता, गवर्नमेंट 60 वाले को निकाल देती है। उसकी वजह ये होती कि उसको गवर्नमेंट ये मानती कि ये अब रिटायर हो गया, जहन से भी रिटायर हो जाता हो। तो कभी कभी उस रिटायरपन में आदमी गलत बयान भी, प्रधानमंत्री कभी कभी गलत बयान भी हो जाते हैं। गलती प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सम्मान मान हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी मजहब ये सिखाता है, हमें उनसे नाराजगी नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा चलिए आखिरी सवाल, आप सीए को लेकर कह रहे हैं कि दोबारा लागू होने वाला, अगर होगा तो यहाँ दोबारा प्रदर्शन होगा? नहीं, सीए एनआरसी का मामला अभी नहीं है, हम उस बात पर बात ही नहीं करना चाहते। इसकी वजह सीए एनआरसी का मामला हमारी वजह से नहीं है, अगर सीए एनआरसी का मामला आएगा तो वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, और हम बाहर के आदमी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार अगर 4 करोड़ यहाँ ला के बसाएगी, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने देश में, हमें तेल साला 106 रुपये किलो लीटर मिल रहा है, 106 रुपये लीटर तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 4 करोड़ और आ जाएंगे तो ये तो 206 हो जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में होगा? 4 करोड़ आदमी को हम क्यों अपने देश में बसने देंगे? चलिए तो ये थे मेरे साथ शाहीन बाग के लोग, जिन्होंने अपनी राय रखी तमाम मुद्दे पर और ख़ासकर बुलडोज़र की कार्रवाई पर।